गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बैटरी करेंगे तो यहाँ से बैटरी बुक होती है, ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। ऑनलाइन वालों का जल्दी कर देते, हमने ऑनलाइन बुक करी थी और ये है टाइमिंग, आप देख सकते हैं। और गाइस, यहाँ वेटिंग एरिया भी है, यहाँ हम सब लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे, हमारी बैटरी जब आएगी तो हम जाते हैं यहाँ से। और गाइस, थोड़ी देर बाद हमें हमारी बैटरी में बिठा दिया था और हम चल भी दिए थे। सामने बुआ फूफा मम्मी बैठे हैं और यहाँ पापा और यहाँ महक और यहाँ मैं बैठी हूँ, तो हम लोग बैठ गए थे। अन्नू दूसरी गाड़ी से जा रहा था। हम आ गए भवन पे और हम अपने होटल पे होटल में जा रहे हैं। वैष्णवी भवन जो पहले था वो इस बार है, तो इस सीढ़ियां चल के जाना पड़ता है। तो गाइस, रूम में जाके मिलते हैं आपसे। गाइस, हमने दर्शन कर लिया, जस्ट अभी दर्शन करके आए और शूज पहने सबने अपने। और गाइस, नहा लिए थे सब और, पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा था हमें, क्योंकि हम भैरव बाबा जी की जो ट्रॉली जाती है वहाँ से जाते हैं हम, बट अब वो बंद कर दी है, तो इसलिए अब हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं माता के और मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी दर्शन कर लेना। जी के जाएंगे दर्शन करने, माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने बहुत जरूरी होते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, यू उसको बादल बोल रहे, देखो गाइस वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी, तो अभी ऊपर जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी गाइस, और बने रहना मेरे ब्लॉग। गाइस, भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे थे हम, तो यहाँ पे अंगीठी थी, हमने यहाँ हाथ सेके। और गाइस, मैं बुआ को बोली थी कि वहाँ देखो व्लॉग भी बन रहा था और मैंने कुछ फोटोज भी क्लिक कराई थी। तो गाइस, हम सब जा रहे हैं भैरव बाबा की दर्शन करने, चढ़ाई करने। गाइस देखो बर्फ, यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, हमारे टाइम पे हट गई। ये देख कितनी सा, ये दूसरा बना पड़ा है। ये देखो बर्फ हमारे टाइम पे कम है, लेकिन है गिरी हुई है, पर कोई नहीं चलता है। मेरे साथ एंजॉय करते करते चलना, हमें ट्रॉली तो मिली नहीं।
इनकी सोच भी मैच होती है, बता सही है। मेरे पापा थोड़े ज्यादा सोच लेते हैं। और हमारा कितना स्पेस है ये पता है? सनसेट कितना विकट आ रहा है पीछे से देख। मिल गया गाइस, देखो यहाँ पे बर्फ दिख रही है थोड़ी। गाइस सीढ़ियों से चलते चलते बस थोड़ी ही दूर पड़ा था भैरव बाबा जी का मंदिर, तो हम बस पहुंचने वाले थे। गाइस 1 फरवरी से 3 फरवरी तक यहाँ स्नोफॉल हुआ था, तो इसलिए बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी जगह जगह। बर्फ दिख रही है बीच बीच में, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। स्नोफॉल पहले हुआ था, कब हुआ था? 1 फरवरी, 1 से 3 फरवरी, तो अब बस पड़ी है, अब है नहीं ना हो रहा। वो देखा है अपने, वो डिस्टेंस ही दिया कवर वाली, उसके साइड में जो नीचे जा रही सीढ़ियां वहीं से है नीचे। गाइस शाम का टाइम था और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंड थी, तो फेस पूरा रेड हो चुका था और बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पे। यहाँ नहीं, गाइस मुंह बहुत रेड हो चुका है ठंड से, हवा लग रही थी। एक बार गिरी थी मटक के चल रही थी इसलिए फिर ये मामी से क्या क्या सबको डटवा रही थी कि कोई रोए, वो मतलब हंसे थी और ये रो रही थी इतनी गंदी। वो छोटी थी ना, मैं तब की बात कर रही हूँ। गाइस हम पहुंच गए थे भैरव बाबा जी के मंदिर और यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पे सनसेट भी हो रहा था। और गाइस मैं यहाँ बैठी थी, मम्मी और अन्नू भाई और बाकी सबका वेट कर रहे थे। हम लोग पहुंच गए थे तो यहाँ पे बैठ के हम वेट कर रहे थे सबका। गाइस ये भैरव बाबा जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। गाइस यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था, यहाँ मैं भी नहीं दिख रही होंगी आपको, ये रही मैं। गाइस कोई नहीं है, दस बस हम लोग हैं और अंधेरा हो रहा है, बहुत ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। गाइस सबसे आगे मैं चल रही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है और ये रास्ता अपने आप नीचे खींच रहा है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत हाथ कड़क हो रहे हैं। सबसे आगे मैं हूँ और इधर इतना अंधेरा, आगे कोई भी नहीं है, मेरे पीछे ही लोग हैं, बाकी सब पीछे है। सबसे आगे मैं चल रही पहली बार। गाइस अब ज्यादा अंधेरा हो रहा है, मैं मम्मी को बुला लेती हूँ क्योंकि भूत भूत का डर नहीं, माता का दरबार है, बस बंदरों का डर है। गाइस देखो कोई नहीं है, मैं दिखाती हूँ। ये रही सीढ़ी हमने आते टाइम
सीढ़ी करी थी ऊपर तक, ये मम्मी जा रही है सबसे आगे, मम्मी हो गई अब, और सेकंड नंबर पे मैं हूँ, मेरे बाद अन्नु है और फिर पीछे जो भी है वो सब है। हाँ ये तो राई होती है। तो गाइस हमने भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिए, अब हम नीचे खाना खाने जाएंगे और फिर अपने होटल में जाएंगे, अपने रूम में सोएंगे, रेस्ट करेंगे और कल उतराई है। गाइस अब अंधेरा हो गया, देखो गाइस अंधेरा है बहुत ज्यादा, वो पीछे आ रही, बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है गाइस। और बस चलते हैं, जय माता दी बोल के, तेरी मेरी परछाई। ये देखो गाइस ये बर्फ गिरी हुई है और यहाँ डरने डर है फिसलने का, मेरे शूज थोड़े गंदे हो गए। हीरा माता का भवन, अंधेरा है बस, थोड़ी थोड़ी जगहों पे लाइट लगा रखी है। और गाइस हाथ बहुत ज्यादा सुन हो गए हैं बहुत बुरी तरह, चलो लाइट मिल गई तो वीडियो बना लेते हैं। तो गाइस अभी नीचे जाके जैसा कि मैंने आपको बताया खाना खाएंगे होटल में और फिर रूम में जाएंगे और फिर सो जाएंगे और फिर कल उतराई करेंगे, तो फिर मिलेंगे। गाइस भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे हम, अपने रूम में बैठे थे, यहाँ अंगीठी जल रही थी, रूम के बाहर बेंच बिछा हुआ था तो हम यहाँ तीनों बैठ के हाथ सेक रहे थे और थोड़ी बातें भी कर रहे थे, मस्तियाँ भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इन सब लोगों ने मुझे डराया भूत भूत का कहानी सुना के। और यहाँ हाथ सेक रहे दोनों और यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं और ये दोनों हैं, ये हमारा रूम है। बहुत बोर हो रहे गाइस, मैं दिखाती हूँ गाइस, अब हम सो रहे हैं, गुड नाइट।